सूखा पनगट, सूखे कुएं, सूखे ताल तलैया है, सूख गए सब खेत क्यारियां, लगी सूखने नदियां हैं। प्यासा पशुधन, प्यासा मयूरा, प्यासी प्यासी कोयलिया है, राधा बनकर मेघा आ जाओ, राहें तकता किशन कन्हैया है। तपते खेतों में मुंह लटकाए बैठा वृषभ नथैया है, सूखी आंखों से तके आसमां, कहां छुपी बदरिया है। आ जाओ हे जीवन दायनी, तुम बिन प्यासी दुनिया है, बरसों बरसों मेरी बरखा, तुमसे ही सारी खुशियां हैं। जी हाँ, तपती हुई धरती इस समय पर हर किसी को परेशान कर रही है। तपती हुई जो आग इस समय बरस रही है हम लोगों पर, पूरा उत्तर भारत इस आग की चपेट में है, वो हर किसी को परेशान कर रहा है। पर खैर, इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जब हमने सारे पेड़ काट दिए, जब हमने पूरी जगह पर कंक्रीट का जाल फैला दिया, तो इससे ज़्यादा की उम्मीद हमें कुछ करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक किसान है जो कि इस दिशा में काम कर रहा है, जो अपना पेट भी पाल रहा है और प्रकृति के संतुलन को भी फसलें लगाकर, पेड़ लगाकर मेंटेन किए हुए हैं। हम ऐसे ही कुछ किसानों से आपको राम राम स्वामी मिलाते हैं, जो कि इसी प्रकार से धरती पुत्र होते हुए धरती माँ की सेवा कर रहे हैं, और इसमें हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। जी हाँ, राम राम सा की आधुनिक चौपाल में हम अक्सर आपको ऐसे किसानों से मिलाते हैं जो कि कुछ ना कुछ नया करते हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से जिन्होंने मिसाल कायम की है। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम एक ऐसे किसान को लेकर आए हैं जो कि चाहते तो अपने रिटायरमेंट के बाद का जीवन बड़ी आसानी से काट सकते थे, जो कि चाहते तो कोई और काम भी कर सकते थे। जी हाँ, वो एक सरकारी अधिकारी हैं जो कि अलाइड IAS से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने तय किया कि वो खेती करेंगे, और खेती में कुछ ऐसा करेंगे जिसे बाकी के दूसरे किसान भी उनको देखकर मोटिवेट हो, उनको देखकर प्रोत्साहित हो। और जी हाँ, बिल्कुल वही बात वो करना चाहते हैं कि खेती में अगर थोड़े से नवाचार किए जाए, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया जाए, मूल्य संवर्धन किया जाए, तो खेती से कई गुना ज़्यादा वो कमाई कर सकते हैं। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हमारे दो खास मेहमानों को, जिनमें एक हमारे साथ हैं बच्चूलाल मीना जी, जो कि मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो एक सरकारी सेवा से रिटायर्ड है और अपनी सरकारी सेवाओं में रहते हुए वो राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इन्हीं के साथ दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ अशोक कुमार मीना हैं, जो कि AAO हैं, सिकराय दोसा से आते हैं और फील्ड में रहते हैं और किसानों को मदद करते हैं कि वो कुछ नया करें, कुछ नवाचार करें, परंपरागत तरीके, परंपरागत फसलों से बढ़कर आगे बढ़ें। सबसे पहले तो हमारे दोनों मेहमानों को TV पर बैठे दर्शकों की तरफ से प्यार भरा राम राम साहब। आपको भी सभी को, किसान भाइयों को राम राम। जी, किसान भाइयों को राम राम सा, राम राम। बच्चूलाल जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आ रहे हैं। आप रिटायरमेंट के बाद एक सादा जीवन, इस तरह का साधारण सा जीवन इस तरह का बिता सकते थे जिससे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप आराम की लाइफ जी सकते थे, कोई और काम भी कर सकते थे, परंतु आपने खेती को ही क्यों चुना? किसान भाइयों, खेती को चुना मैंने नवाचार के लिए, कुछ नई चीज़ें डेवलप करने के लिए। जी, मैंने सोचा कि किसान को कुछ बचता नहीं है, खेती से निकल के कुछ नहीं आता, तो क्यों नहीं कुछ फलोद्यान लगाया जाए, कुछ प्रोसेसिंग किया जाए, नई चीज़ें बनाई जाए जिनका मार्केट वैल्यू हम डिसाइड करें, मंडियां डिसाइड नहीं करें। मार्केट जो आप प्रोडक्शन करते हैं और मंडी ले जाते हैं तो बिचौलिए डिसाइड करते हैं, अपनी खुद आइटम बनाएं और खुद अपने माल को डिसाइड करें कि किस रेट में बेचना है, आपको काफ़ी मुनाफा होगा। फसल आती है, रेट डाउन होते हैं, आप उनकी प्रोसेसिंग करें और साल 6 महीने बाद बेचें, 2 साल बाद बेचें, और निश्चिंत हो जाएं कि आप सेम रेट, उसी रेट में बेचेंगे माल को जिस रेट में आप बनाओगे। इसीलिए मैंने ये प्रोसेसिंग का काम चालू किया है ताकि किसानों की इनकम बढ़े और बगीचे लगें, एनवायरनमेंट ठीक हो और धरती हरी भरी दिखाई दे। तो ये आप प्रोसेसिंग के आइटम देख रहे हैं मेज पे। जी हाँ, सारे आइटम बनाता हूं। कहां से शुरू किया? रिटायरमेंट के बाद आप अपने गांव वापस आए, आपका गांव आपको पुकार रहा था, आपके खेत आपको पुकार रहे थे, आप खेतों में वापस आए, गांव में वापस आए, लेकिन शुरुआत कहां से की? सबसे पहले आपने क्या लगाया और कौन सा उत्पाद बनाया? शुरुआत में हमने आंवले का बगीचा लगाया। जी, आंवले के बगीचे का रेट इतना गिर गया कि किसी ने 1 रुपये किलो में भी नहीं पूछा, इवन फ्री में भी कोई नहीं ले गया। तो हमने सोचा इसका प्रोसेसिंग किया जाए, तो हमने स्टार्टिंग किया कि आंवला पाउडर बनाया जाए, आंवले को डीसीडिंग किया जाए। तो हमने कहीं से मशीन लिया, हाथ से इतना अधिक हो नहीं सकता था, मशीन लिया तो आंवले का पाउडर बनाना चालू किया। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी,
हम एक एक चीज़ बनाते रहे। कृषि विभाग ने भी हमारी ऑर्गेनिक जोड़ के इसमें मदद की और हम ऑर्गेनिक चीज़ पैदा कर रहे हैं और ऑर्गेनिक को ही मार्केट में बेच रहे हैं ताकि लोग बाग तंदुरुस्त रहें और उनको रेट वाजिब मिले और अपना रेट मिले। आपने शुरुआत की आंवला पाउडर से, आंवला पाउडर आपने बनाया, उसको बाजार में बेचा होगा, उसके बाद नेक्स्ट कदम क्या रहा, फिर आपने क्या सोचा, क्या बनाया आगे? फिर हमने जैसे ही आंवला है फिर नींबू का किया, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज कम से कम 60-70 आइटम आंवले के, नींबू के, बिजूरा के बनाते हैं जो लोगों को तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं, इनडाइजेशन और जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर को मिलते हैं। और इसके बाद हमने छोटे मोटे खाद बनाए, एंजाइम बनाए, उनका स्प्रे किया तो प्रोडक्शन का क्वालिटी बढ़ा और प्रोडक्शन अच्छे मिलने लगे और हमको भी मतलब लगभग 5 लाख के आसपास प्रोडक्शन से इनकम होने लगी। मतलब आपने अपना खेत तैयार किया, खेत से जो फल आपको मिले, जो उत्पाद आपको मिले, उनसे आपने कुछ और चीज़ें बनाई, उन्हीं से आपने एंजाइम बनाया जिससे कि आप ही की खेती पर उनको लगा सकें, उनसे अच्छी उपज ले सकें, और वहीं पर आपने अपने बीज तैयार किए। जी, हमने बीज किए, तैयार किए और किसानों को भी बताया कि आप भी करें, उनको ट्रेंड भी करते हैं, अगर कोई सलाह लेना चाहता है तो उसे ही सलाह देते हैं कि वो इस टाइप की प्रोसेसिंग करें और प्रोसेसिंग में अगर मार्केट में नहीं भी बिकता है, हमारे पास कम पड़ता है तो हमको माल दे दें, उनको उचित मूल्य मिलेगा और बेनिफिट भी अधिक होंगे और माल भी उनका खराब नहीं होगा। आपके विजुअल्स में नज़र आ रहा है आपके बाग में कई तरह के आपने पौधे लगाए हुए हैं, कई तरह के फलों के पौधे लगाए हुए हैं, तो क्या सोच के डिसाइड करते हैं कि मुझे इस बार कौन सा पौधा लगाना है, इस बार कौन सा फल लगाना है? पौधों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, सभी टाइप के पौधे लगा रहे हैं, इवन एक्सपेरिमेंट के तौर भी लगा रहे हैं कि फल आएंगे तो हम उनसे भी प्रोसेसिंग करेंगे और किसानों को अधिक वेराइटियाँ मिलेंगी कि वो क्या बनाएं और मतलब माल बेचें अपना। जी हाँ, मतलब फ्रूट की रेट डाउन है तो फ्रूट को नहीं बेच के उनकी प्रोसेसिंग करके बेचें, घाटे का सौदा नहीं करें, किसान की समृद्धि इसी में है कि वो अपनी बढ़त बनाएं, वैल्यू बढ़ाएं और अपना माल बेचें खुद। जी हाँ, मतलब अब वो वाली बात आपके खेत में कम से कम नहीं है कि पैदावार ज़्यादा हो जाती है और रेट कम पड़े तो किसान कई बार माथा पकड़ के बैठ जाता है कि अब इसका क्या करूं। आप तो पैदा करते हैं और पैदा करके सीधा उसे प्रोसेसिंग में उतार देते हैं। जी, हम सीधा प्रोसेसिंग में उतारते हैं और किसानों ने हताश होकर बहुत सारे पेड़ काट दिए, हमको भी दुख हुआ कि लोगों ने पेड़ काट दिए, इवन पेड़ों में फल भी नहीं आता है तो पेड़ों का प्रोसेसिंग पत्तों से हो सकता है, उसकी छाल से हो सकता है, उससे तेल बन सकते हैं और भी कई आइटम उनसे बन सकते हैं, छाल बॉईल करके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है और कोई भी चीज़ें हम अगर फल भी नहीं आए तो पौधे को काटे नहीं, उनका उपयोग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी कहने वाले ने कि बूढ़े पेड़ को काटना मत, फल नहीं तो कम से कम छांव तो देगा, बिल्कुल सही बात है। अशोक जी, आप कब संपर्क में आए बच्चू लाल जी के? मैं सर 2013 से सिकराया में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, जैसे ही बच्चू लाल जी मेरी वहाँ पदस्थापन हुआ था तो मेरे कार्यालय में शुरू में आए थे तो मुझे इन्होंने कुछ पाउडर्स हैं जो ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं बच्चू लाल जी हमारे सिकराया, इन्होंने मुझे इनके आइटम दिए, इन्होंने मुझे अपने बारे में परिचय दिया कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, तो तब से ही मैं 2013 से हमारे बच्चू लाल जी के संपर्क में हूँ और बच्चू लाल जी को हमारे कृषि विभाग के माध्यम से हमने कई योजनाओं का इनको लाभ दिया है। साथ में अभी सर हमने इनके यहाँ पर एक जलौज बनवाया है इस वर्ष 18-19 में, कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के लिए हमारी जो जलौज की जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये हमारे बनाए जाते हैं, इसमें हमने बच्चू लाल जी को 90,000 रुपये की सब्सिडी दिलवाई है और जलौज बनाने का जो हमारे किसान भाई है, अन्य जो हमारे किसान भाई हमारे जो प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल हमारे जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है और जैसे ही वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है तो हमारी जो पानी की जो मोटर्स वगैरह हैं लगी हुई है, अगर वो अधिक गहराई से पानी को वहाँ से लिफ्ट करके और सीधे हम फिर उसको जैसे अगर पाइपलाइन के माध्यम से या उसको फुहारे में हम सिंचाई करते हैं तो मोटर पर भी प्रेशर पड़ता है, साथ ही अपनी उसमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। दूसरी समस्या हमारे किसानों के सामने यह आती है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो रबी की फसलें होती है और जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो हमारे किसान भाई अक्सर उस सर्दी के मौसम में अपनी फसलों में पानी देने में अपनी असमर्थता, बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी आती है, भारी सर्दी पड़ती है तो हम जलौज बना करके और जब हमारे रात्रि के समय अगर बिजली का फीडर आ रहा है तो
तो उस पानी को हम उसमें हमारे जलौज में स्टोर कर सकते हैं, या हमारे को हो सकता है कहने का मतलब ये कि रात को जब लाइट आए उस समय जलहोज को भर लीजिए और फिर जब आपको सही लगे उस समय आप सिंचाई, जब आपको समय मिले आप उपयुक्त समय देख करके और फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। उसमें हमने बाल लगा करके और अपनी पाइपलाइन से उसको हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ये हमारा वाटर स्टोरेज भी होगा। इससे दूसरा हमारे जो बिजली पर लोड पड़ रहा है, मोटर पर लोड पड़ रहा है, मोटर अक्सर खराब हो जाती है, 1000 फीट तक भी हमारा जो वाटर लेवल आज की तारीख में चला गया है, तो उससे हमारे किसानों को काफी परेशानी आ रही थी। तो हमारे पूरे राजस्थान के किसानों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस प्रकार के हमारे जो हमारे फार्म हाउस है उस पर जो हमारा ऊंचा स्थान होता है उस पर हम इसको बनाएंगे, उसका जो जगह का चयन करेंगे और उसमें से हमारा पानी खेत के अन्य जो हमारा हिस्से हैं उसमें आराम से उसमें हम एक बाल लगा देते हैं उसके जो बॉटम पर और पूरे हमारे खेतों में उससे हम सिंचाई कर सकते हैं। ये हमने दूसरी हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारे इसमें छोटी मोटर लगा करके और हम उसमें कम सिंचाई कर सकते हैं, बाद में सिंचाई कर सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार समय के हिसाब से हम सिंचाई करने में हमारी इसमें मदद मिल रही है, बहुत ही हमारी अच्छी योजना है। और क्या आपने मदद करी? दूसरा हमारा जो हमारी मुख्य योजना है फलदार बगीचे लगाने की योजना है, उसके तहत भी हमने हमारे बच्चूलाल जी के यहाँ आंवले का पौधा जो हमारे बगीचा उन्होंने लगाया था स्टार्टिंग में वो हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से लगाया गया था और गत वर्ष भी हमने लगभग वहाँ हमारे 2500 से 3000 पौधे हमारे जो हमारी कृषि वाहन की सम्मिशन एक योजना चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कृषि वाहन की सम्मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी कृषि के साथ साथ हमारे खेतों की बाउंड्री वाल है उन पर हमें पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की जो हमारी दशा है और दिशा है हमारे किसान धीरे धीरे पौधों की तरफ से मुँह हटा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पौधे को धीरे धीरे काटने लग गए और उनको बेच देते हैं। तो पौधे लगाएंगे तो हमारा जो वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारा अगर हरा भरा रहेगा हमारा क्षेत्र तो बरसात भी अच्छी होगी। तो इस समय पर जो माहौल है, इस समय पर जो 50 डिग्री तक हमारा पारा पहुंचने वाला है वो शायद इसी कारण से है। वो सर इसी का कारण है कि हमारे पौधों की संख्या धीरे धीरे हमारे खेतों में कम नजर आ रही है और हम लोग इस प्रकार से चलते रहेंगे तो हमारा जो वातावरण का संतुलन है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने की हमारे सामने समस्याएं आ सकती है। अशोक जी, बच्चूलाल जी लगभग 70 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लिस्ट आपने मुझे दी है उसमें लगभग 70 तरह के उत्पाद हैं। जी सर तो क्या ये सब इस तरह की ट्रेनिंग अगर कोई और किसान लेना चाहे, इस तरह की चीजें अगर कोई और किसान लेना चाहे तो क्या राजस्थान सरकार या आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की योजना है जिसमें वो, या कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ जाके वो ट्रेनिंग ले सकें? प्रोसेसिंग के लिए सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो आत्मा योजना है हमारी उसके अंदर भी हम किसानों के लिए हमारे जो आवासीय प्रशिक्षण होते हैं आउट ऑफ स्टेट भी हम किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, हमारे टूर भी होते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो प्रोसेसिंग जो हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पर हम किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई किसान भाई हमारा प्रशिक्षण लेना चाहता है तो हमारे कई फार्मर्स हमारे इस लाइन में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, जैसे मैं बच्चूलाल जी का ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर कोई भी किसान हमारा इस प्रकार की प्रोसेसिंग में अपनी रुचि रखता है और वो प्रशिक्षण लेना चाहता है तो हम सिकराया में भी हमारे बच्चूलाल जी के वहाँ पर हमारा जो फार्म हाउस है वहाँ पर हम किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। आप किसान आ सकते हैं और किसान अपना ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको तैयार करने की प्रशिक्षण ले सकते हैं। बच्चूलाल जी कौन कौन से मुख्य मुख्य प्रोडक्ट हैं जो इस समय पर आप बना रहे हैं? मैं केवल प्रोडक्ट्स के नाम जानना चाहूँगा। प्रोडक्ट सर ये आंवला सुपारी है हमारा जी, तो आंवला सुपारी इसे क्या है गला बिल्कुल ठीक होता है। प्रोडक्ट के नाम बताते जाइए। मेरे प्रोडक्ट तो लिस्ट है सर। हाँ हाँ, जैसे जैसे इसमें जी आपने स्क्वैश बताए हैं, कुछ नींबू मिर्ची का, नींबू मिर्ची का स्क्वैश है, ये आंवला स्क्वैच है जी, ये लेमन स्क्वैच है जी, ये बिजोरा स्क्वैच है जी, ये मल्टीपर्पज हेल्थ के लिए है और ये पाउडर है आपका, ये जैम है। तो अभी जो ये प्रोडक्ट्स आपके टेबल पे नजर आ रहे हैं इनको आपने कहीं पर मार्केट करना शुरू नहीं किया, मतलब कमर्शियल रूप से एक तरह से बाहर बेचना शुरू नहीं किया, फिर भी क्या ये बिक जाते हैं आपके पास में? ये सर घर से ही बिकते हैं जी, और लोग बाग इसको दूर दूर तक ले जाते हैं, परिचित जैसे भी पर्चे हुआ, ट्रेनिंग सेंटरों में गए, कृषि अधिकारियों ने मेलों में भेजा तो इनका प्रचार हुआ और लोग बाग घर पे ही काफी आते हैं और इनको ले जाते हैं, ये उनको फायदे भी करते हैं, फायदा जिसको हो जाता है वो बार बार आता है, कई ग्राहक तो 8-9 साल से आ रहे हैं मेरे पास जी। और फायदा तो होना ही है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक है, आपकी विधि भी ऑर्गेनिक है और आपने सब कुछ उगाया भी ऑर्गेनिक है जी। हाँ, जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान अपने ही खेत में
उत्पाद उगाए, अपने ही खेत को कारखाना बनाए, अपने ही खेत में अपना ब्रांड बनाए और अपनी ही कीमत पे उसे बेच दे। अगर आपको भी इस संबंध में कोई बात करनी है, मूल्य संवर्धन के बारे में बात करनी है, वैल्यू एडिशन के बारे में बात करनी है, तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमसे और हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जी राम राम साह। राम राम साह जी, मैं आपका यह अभी टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत आभार आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? भाई ऐसा है कि आप ऑर्गेनिक कई चीजें बना रहे हो, लिखा है ना इसमें? जी हाँ। हेलो। जी हाँ। जोधपुर में भी कहीं मिलती है क्या? जी हाँ, ये अभी जोधपुर में मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम आपकी बात सीधे बच्चूलाल जी से करवा रहे हैं, वो बताएंगे कि ये चीजें आप कहाँ से ले सकते हैं। बच्चूलाल जी नाम है। जवाब दीजिए। पता जी ये जोधपुर में तो नहीं मिलती, ये घर पे बनाते हैं हम और घर से ही सेल होती है। जिनका संपर्क होता है उनको हम भिजवाते हैं, या जोधपुर के कोई जानकार होते हैं तो उनके माध्यम से भिजवा देंगे। जी हाँ, अगर वो आपसे संपर्क करें तो आप उन्हें भिजवा संपर्क करेंगे तो जोधपुर में कोई जानकार है, परिचित है, उसके माध्यम से आपको भिजवा देंगे जो आइटम आपको चाहिएगा। अशोक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं हमारे जो किसान भाई हैं जो कॉलर्स पे हैं उनसे उनको जानकारी देना चाहूँगा इस संबंध में कि ऑर्गेनिक जो हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है हमारे जो फार्म हाउस पर और उसके तहत हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनकी बारे में जानना चाह रहे हैं या क्या जानना चाह रहे हैं? मैं वो उसी बारे में जानना चाहते हैं कि अगर मुझे खरीदना हो तो मैं कहाँ से करूँ? बिल्कुल आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आप हमसे ले सकते हैं और हम सिकराय दौसा से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ सिकराय में हमारे बच्चूलाल जी इनके फार्म हाउस पर ये लगभग 70 प्रकार के प्रोडक्ट प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से इनका प्रोडक्शन करके और फिर ये प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी इनका अब क्योंकि लोग बिल्कुल इनको जानने लगे हैं, लोग इनसे बात करना चाहेंगे, अब जल्दी से इन्हें लाइसेंस वगैरह दिलवाकर इनके ब्रांड शुरू करवाइए जिससे कि वेबसाइट से लोग इन्हें ऑर्डर कर सके और ये अपने सामान बेच सके। जी सर, ये क्योंकि ये काम आप लोगों का, हम लोगों का है, इन किसान ने अपना काम शुरू किया है, नवाचार शुरू किया है, एक काम शुरू किया है, हम लोगों का काम है कि हम इन्हें और आगे बढ़ाएं। जी बच्चूलाल जी आपने शुरुआत की, अब कई तरह के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, अगर हम जो दूसरी खेती के दूसरी जो इनकम है उसकी बात को छोड़ दें, आंवला आप बाजार में बेचते हैं उसको छोड़ दें, बाकी सब चीज़ें आप बाजार में बेचते हैं उसको छोड़ दें और खाली इन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन प्रोडक्ट से आप साल का लगभग कितना पैसा कमा लेते हैं? अभी ये प्रोडक्ट घर पे ही बिकते हैं जी, और जो संपर्क में आए वो घर से ही ले जाते हैं जी, लगभग 5 लाख से ऊपर इसकी बिक्री हो जाती है। 5 लाख से ऊपर आप अभी इस समय कर रहे हैं जबकि आप घर से बाहर कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, घर से बाहर आप किसी को बेचने नहीं जा रहे, उस समय आप 5 लाख कर रहे हैं। अशोक जी। जी सर। अगर आपको लगता है कि ब्रांड बन जाता है या उसको थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं तो ये इनकम और दुगनी हो जाएगी? मैं सर आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे जो किसान जी जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जैसे आज की तारीख में अपन देख रहे हैं कि लगभग हमारे जो क्षेत्र है किसान लगभग वही खरीफ के अंदर बाजरा है और रबी के अंदर गेहूं है, सरसों, इस प्रकार की खेती हमारे जो किसान भाई कर रहे हैं जी, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्यों नहीं हमें हमारे जो वैज्ञानिक खेती है हमारी तकनीकी खेती की तरफ आना चाहिए और अगर प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो इसमें मैं सर कम से कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है उससे लगभग 10 गुना इनकम हमें सीधी सीधी इसमें हो रही है। अभी बच्चूलाल जी के पास में लगभग 5 बीघा जो बगीचा है आंवले का, नींबू का, उससे लगभग इनकी जो प्रोसेसिंग की इनकम को भी अगर 5 लाख रुपए जो हटा दी जाए, इसके अलावा लगभग 3 लाख रुपए तक की ये सालाना इसमें इनके आंवले हैं, नींबू है, वो भी इसमें निकल करके इनको इनकम हो रही है। साथ ही कोई अन्य जो फसलें हैं, अभी इन्होंने गेहूँ भी उस पर ऑर्गेनिक किया है तो वो भी अच्छी इनकम में जा रहा है। अभी हमारे यहाँ इतनी डिमांड है ऑर्गेनिक जो हमारे गेहूं है, लगभग 5000 रुपये कुंटल में भी वहाँ लोग एडवांस बुकिंग करके और ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी किसानों की बहुत ज़्यादा रुझान अभी बढ़ रहे हैं जी, तो मैं किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक तरीके से अगर प्रोडक्ट तैयार करके और अगर अपन प्रोसेसिंग में अगर आ जाते हैं तो एक हमारी जो रेट की समस्या रहती है, किसान भाई कई बार हमारे कहते हैं कि साहब हमने प्रोडक्शन तो अच्छा कर लिया लेकिन अभी हमारा नहीं मिल पा रहा, जैसे ही प्रोडक्शन होता है उस समय एक हमारी रेट गिर जाती है क्योंकि जब बाजार में अधिक सप्लाई होती है मांग कम होती है तो हमारी रेट अक्सर गिर जाती है, तो हमारी जो ये रिस्क है इसको हम कम करना चाहते हैं तो हमें हमारे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे उनको प्रोसेसिंग में अगर हम कर लेते हैं तो हमारी जैसे ही हमारी रेट बाद में अच्छी होगी उस समय हम कुछ समय उनको रोक करके और बाद में अगर हम सेल करते हैं
तो हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो हम किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं, आंवला है, नींबू है, चाहे इवन हमारे अन्य हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी हम प्रोसेसिंग में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा पेड़ लगाएंगे, बागवानी लगाएंगे तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बच्चूलाल जी, अभी आपके कुछ मशीनें विजुअल्स में नज़र आ रही हैं, लगभग कितनी लागत लगी होगी इन मशीनों को लाने में, और कौन सी मशीनें अभी आपको ज़रूरत है जो कि आप लाना चाहते हैं? मशीनों की जहाँ बात है, मैं एक मशीन से ही सारा काम करता हूँ, तो मेरे पास और मशीनें तो है नहीं, उसी से डीसीडिंग करता हूँ। ड्राई होने के बाद, धूप में ड्राई होने के बाद उनको मैं उसी से पाउडर बनाता हूँ। एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा बच्चूलाल जी, एक दर्शक है जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, मैं ये कह रहा था सर, मैंने कि अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी, तो इसके बारे में क्या करौली में भी मिलती है जानकारी? जी हाँ, करौली में भी जानकारी मिल जाएगी। अशोक जी। जी सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको कृषि संबंधी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप आपके नज़दीकी जो कृषि विभाग का कार्यालय, संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है या ब्लॉक लेवल पर सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, आप वहां जाकर के कृषि विभाग की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे सब जगह हमारे कार्यालय स्थापित है, इस प्रकार की सुविधाएँ हमारे कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए करें। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए या प्रोसेसिंग के काम को करने के लिए क्या किसी प्रकार की कोई योजना है राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की तरफ जिसमें उन्हें कोई सुविधा मिल सके? प्रोसेसिंग के लिए तो सर, जैसे हमारे नाबार्ड है, जिनके माध्यम से भी किसानों को लोन वगैरह भी मिलता है और बाकायदा इसमें ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्थाएं होती है जी, उसमें भी किसान अगर चाहता है तो वो सुविधाएं भी सारी सरकार उपलब्ध करवा रही है आजकल। गवर्नमेंट का इसकी तरफ काफ़ी रुझान है और गवर्नमेंट भी ये चाह रही है, सरकार भी, किसानों को इसमें आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे कि हमारा किसान अधिक आत्मनिर्भर बन सके और वो अच्छा उसकी इनकम हो सके और हमारा किसान खुशहाल हो सकता है। बच्चूलाल जी, 70 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, ये लिस्ट आगे कहाँ तक पहुँचेगी, क्या कुछ नया बनाने जा रहे हैं अब आगे? जी सर, ये लिस्ट हर साल 2-5 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, उनको पहले मैं यूज करता हूँ, फिर बाद में पब्लिक के लिए निकालता हूँ, और जो टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, फिर कई साथियों को टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पब्लिक को भेजते हैं। आप तो शैम्पू वगैरह भी बना रहे हैं? हाँ, शैम्पू भी बना रहा हूँ, एलोवेरा का शैम्पू बनाता हूँ जी, और उसका भी मतलब सेल है, और एलोवेरा का शैम्पू तो किसी भी मौसम में कभी भी बनाया जा सकता है, क्यों, उसके लिए फल की जरूरत नहीं, पत्तों की जरूरत होती है, छिलकों की जरूरत होती है जी, और उसका जो पल्प्स है उसका जूस बनाया जा सकता है, उसके पल्प का जूस भी बनाया जा सकता है, और अभी और वेस्टेज का शैम्पू। तो कुछ नए फलदार पौधे, कुछ नए लगाने जा रहे हैं आप, क्या लगाने जा रहे हैं अभी अगली फसल? हर टाइप के मैं पौधे लगा रहा हूँ, स्टीविया इस साल मैंने लगाया है। स्टीविया आपने लगाया, मीठी तुलसी जिसे कहते हैं? हाँ, मीठी तुलसी, उसके भी कई फायदे हैं जी, ओबेस्टेसी, मोटापा, आपका बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, शुगर वाला भी आदमी उसको ले सकता है, वो इंसुलिन बढ़ाता है, तो लोग बाग इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो वो मतलब शुगर में भी अच्छा काम आता है। दूसरा, उसके साथ अगर हम बॉईल करके पिया जाए उसको सहजन के साथ, तो वो कई बीमारियों को दूर करता है, सहजन लगभग 300 बीमारियां दूर करता है। अशोक जी, क्या करना चाहिए किसानों को, किस तरह के वृक्ष लगाने चाहिए? अभी बरसात का मौसम आने वाला है, थोड़े दिन में सावन आने वाला है, वो सबसे सही समय होता है जिस समय की अगर फलदार पेड़ लगाया जाए या कोई भी पेड़ लगाया जाए, क्योंकि पेड़ इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में किसान फलदार पेड़ लगाए तो उसको दोहरा काम हो जाएगा, पर्यावरण भी सही रहेगा और उसे इनकम भी अच्छी हो जाएगी, तो कौन से लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए? मैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि अब आने वाला जो समय है, हमारा बरसात ऋतु का समय आ रहा है जी, तो क्यों नहीं हमें अभी से ही हमारे जो पौधे लगाने हैं। अशोक जी, एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है काफी देर से प्रयास कर रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए, वो दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ में। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। अमित खंडेलवाल बोल रहा हूँ अलवर से। अमित जी, बहुत बहुत आभार आपका, बोलिए। बस बढ़िया साहब, ये जियो टीवी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, अभी मैं ट्रेन में हूँ और मैं आप ही का प्रोग्राम देख रहा था। जियो पे आप देख रहे हैं? हाँ, वो भी ट्रेन में। वो भी ट्रेन में, बहुत बढ़िया जी। तो मेरा ये सवाल था कि जो अपने अचार में जो मसाले डलते हैं जी, वो जो तेल काम में आता है, वो भी क्या ऑर्गेनिक होता है क्या? बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आपके मसाले अब फेमस हो रहे हैं, आपके अचार फेमस हो रहे हैं, बच्चूलाल जी बताइए। हाँ, मसाले तो सारे हम पैदा नहीं करते, मार्केट से ही लेते हैं, लेकिन तेल ऑर्गेनिक है,
वो ये 2 साल का ऑर्गेनिक हो चुका है, तीसरे साल में गाजियाबाद से साहब लाइसेंस दिलाएंगे अशोक जी, उसके बाद परमानेंट ऑर्गेनिक हो जाएगा। जी हाँ, हम चाहते हैं बहुत जल्दी आपके सब काम हो जिससे कि लोगों को अच्छी और सेहतमंद चीज़ें खाने को मिले। जी अशोक जी, बात पूरी करें, हम लोग बात कर रहे थे। मैं सर निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे किसान भाइयों को अपन अक्सर अभी तक जो हमारे किसान भाइयों को देख रहे हैं कि हम लोग केवल हमारे जो खेत हैं उनमें मुख्य हमारी जो फसलें होती हैं, हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खाद्यान्न एवं हमारे जो पशुओं के लिए चारा, वही फसलें हमारे किसान भाई उगाते हैं जी। उन फसलों से हमारे किसान भाइयों को उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति है, उसके अलावा जो इनकम होनी चाहिए व्यावसायिक तरीके से, हम जो हमारा उद्देश्य खेती का वो नहीं हो रहा है, और इन चीज़ों के कारण हमारा किसान भाई खेती से धीरे धीरे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों नहीं हमारे किसानों को इस प्रकार की खेती की जाए वैज्ञानिक तरीके से, कृषि विभाग की सलाह से, जिससे कि हमारे किसान की आय बढ़े, और अगर हमारा किसान आय बढ़ाएगा तो वो उसकी वापस खेती के जो रुचि है वो बढ़ेगी। तो बरसात का जो सीज़न आ रहा है, इसमें हमारे कृषि विभाग के माध्यम से एक हमारी RKY योजना के तहत नवीन फलदार बगीचा स्थापना करने की योजना चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो भी किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की सबसे पहले हमारे को मिट्टी की जाँच करानी है, वहाँ के पानी की जाँच करानी है। मिट्टी और पानी की जांच हमारे नज़दीकतम जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित है लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब जगह हैं जी, उनमें जाकर के अपनी जांच करा लें, और जांच कराने के बाद जो मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अपने फलदार पौधों का हमें चयन करना है। नज़दीकी जो हमारा उद्यान विभाग का जो कार्यालय है वहाँ जाकर भी हम संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। तो लगभग हमारे जो एरिए के हिसाब से राजस्थान के अंदर मोस्टली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि नींबू है हमारा, हमारा अमरूद है, आजकल बेर है, बेर में भी हमारा थाई एप्पल बेर काफी फेमस हो रहा है हमारे यहाँ, और साथ में हमारे हम आंवला लगा सकते हैं, लहसाड़ा है, और अभी हमारा एक सहजना की तरफ भी हमारा काफी फोकस चल रहा है। इस प्रकार के हम जो भी हमारा क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की मृदा है, पानी के आधार पर हम फलदार पौधों का चयन करेंगे। दूसरा हमारी एक योजना चल रही है कृषि वानिकी सम्मिशन। अशोक जी, एक चीज इसे पूछना चाहूंगा, अक्सर किसान कंफ्यूज हो जाता है, कई बार उसके सामने एक दुविधा होती है कि वो पेड़ कहाँ से खरीदे। पता चला कि पेड़ लगा लिया, उसके बाद जब फल आने लगे तो किसी ने आके बताया कि तो पेड़ ही सही नहीं था। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारा उद्यान विभाग है जी, उसमें अगर किसान भाई इसमें अपना आवेदन पत्र अप्लाई करता है जी, तो हम किसानों को हमारे जो उद्यान विभाग की नर्सरी है राजहंस की, वहां से उन्नत किस्म के पौधे उनको हम उपलब्ध करा देते हैं। निर्धारित शुल्क जो लगता है वो लगता है, उसके बाद में इस पे अनुदान की प्रक्रिया भी होती है। अगर कोई भी किसान भाई फलदार पौधे लगाता है तो हमारा जो विभाग की दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम किसानों को बाकायदा इस पर अनुदान भी देते हैं। साथ ही इसमें हम जल बचत के लिए, किसान भाई हमारा जो बगीचा लगा रहा है उसमें, क्योंकि पानी की समस्या हमारे सामने बहुत ही भयंकर आने वाली है, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, और आने वाला समय हम किसानों के लिए अगर हमारी कोई समस्या रहेगी तो वो मुख्यतः पानी की रहेगी, क्योंकि पानी बिल्कुल ही हमारा जो वाटर लेवल है बहुत कम होता जा रहा है। तो हमारे को ड्रिप इरिगेशन जो कि हमारी जल बचत में भी सहायता करेगी, साथ ही पौधों पर हमारे पानी देने की जो हमारी लागत है, हमारा जो लेबर कॉस्ट है, उस पर भी हमको इसमें हमारे को फायदा होता है। तो ड्रिप इरिगेशन अगर कोई किसान भाई साथ में लगाता है तो इस पर लघु सीमांत जो हमारे किसान हैं उनके लिए हम 70% अनुदान दे रहे हैं, और जो हमारे सामान्य किसान हैं उनके लिए हम 50% का अनुदान इस पर हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है। दूसरे हमारे जो छोटे किसान हैं, कई बार हमारे किसानों की समस्या रहती है, साहब हमारे पास तो जमीन कम है, छोटे काश्तकार होते हैं, तो हम इसमें हमारे आवश्यकताएं जैसे अन्न की आवश्यकता है, गेहूं की है, या पशुओं के लिए चारे की होती है, तो वो फलदार पौधे लगाने से मना कर देते हैं। तो उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि हमारी कृषि वाहन की सम्मिशन योजना चल रही है, जो बहुत ही अच्छी योजना है, पिछले साल से ही चल रही है। तो इसमें हमने ये किसानों को रिलैक्सेशन दिया है दिशा निर्देशों में कि आप अगर पूरे खेत में भी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपकी खेत की जो बाउंड्री वॉल है उस पे आप निर्धारित दूरी पर अगर पौधे लगा लेते हैं तो बीच में हमारी जो मुख्य फसल होती रहेगी खाद्यान्न फसल, और हमारे खेत की जो बाउंड्री वॉल है उस पर हमारे जैसे नींबू है, करौंजा है, आप लहसौड़ा है, इसमें कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे भी, आप लहसौड़ा है या सहजना है, इस प्रकार के पौधे लगा करके हमारा वातावरण भी इससे शुद्ध होगा और हमारी जो इनकम है वो भी हमारी बढ़ेगी, और हमारा सुहावना क्षेत्र लगेगा, हरा भरा हमारा क्षेत्र को हम बना सकते हैं। इस पर भी हमारे कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को पर पौधा 35 रुपये का अनुदान अधिकतम दिया जा रहा है। तो ये भी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें किसानों की ज़्यादा लागत भी नहीं आ रही। जो रेट्स होते हैं हमारे पौधों के वो भी लगभग इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे अभी हम नींबू की बात करते हैं
तो हमारा जो उद्यान विभाग की रेट है 10 रुपए की रेट होती है जी। 10 रुपए में हम किसानों को पौधा उपलब्ध करा सकते हैं और उसको 35 रुपए का हम उस पर अनुदान दे रहे हैं, जिसमें उसकी जो भी लेबर कॉस्ट है, गड्ढा खुदाई का है, या उसमें खाद एवं उर्वरक भी हमको डालने पड़ेंगे उसमें पौधों में, तो ये सारी कॉस्ट को भी हम जोड़ लिया जाए तो मैं किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 100 पौधे 50 जैसे भी आपकी आवश्यकता है, कम भूमि है 1-2 बीघा, तो हमें ये हमारे फलदार पौधे लगा करके और हमारी इनकम। एक और दर्शक है जो बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ जानना चाहते हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब। राम राम साहब साहब, प्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके कार्यक्रम में मेरे से संबंधित विषय रखा गया है जी। मेरा ये सवाल ये है आज का कि ये जो अचार और जो जेली है इसके लिए कोई कंपनियां नियुक्त कर रही, क्योंकि ये कंपनियां लेती है, हमें स्वयं कोई बेचना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि आदमी करे, तो क्या कुछ कंपनीज भी ऐसी हैं जो इनको ले सकती हैं? अशोक जी, है कुछ ऐसी कंपनीज? कंपनियों का तो सर अपने को टाई अप करना पड़ेगा, वरना मैं तो हमारे किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि हम कंपनियों के चक्कर में ना पड़े। हम अगर अपना इतना हिम्मत रखते हैं कि हम उसमें हमारी क्वालिटी देंगे तो अपने आप लोगों में प्रचार होगा, लोग अपने आप इसमें आगे आएंगे और आजकल आ भी रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर किसान अपने आप में जो अपने प्रोडक्ट है उनकी मनमानी रेट हम निर्धारित करते हैं, हमें किसी आड़तिये की जरूरत नहीं है, हमें किसी कोई कंपनी की जरूरत है। अब हम बच्चूलाल जी की बात करते हैं तो इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं घर बैठे ही इतनी इसकी डिमांड है कि ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास में बाहर से फोन आते हैं कि साहब ये चीज़ हमको मिल सकती है क्या। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपने स्तर पर ही हमारे किसानों को इस प्रकार से हमारे किसानों का एक हमारे ग्रुप बनाना चाहिए, किसानों का कृषक रुचि समूह ग्रुप भी हमारे आत्मा योजना के तहत बनते हैं जी। और आप लोग अपने स्तर पर ही इस प्रकार की मार्केटिंग की व्यवस्था करें कि हम किसी कंपनी के चक्कर में नहीं आकर के हम खुद किसान इतना मजबूत हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए कि मार्केटिंग भी हम अपने स्तर पर कर सकें और हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिके, अच्छा हम मुनाफा कमा सकें। तो ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। और इस प्रकार की कंपनियां तो हम व्यक्तिगत तौर पे किसान अगर चाहें तो उनसे मार्केटिंग के लिए जुड़ सकते हैं, लेकिन वही बात है, फिर वही आड़तिये वाली बात आ जाएगी, हमारा किसान उसमें मेहनत करेगा और मुनाफा कोई और कमाएगा। तो मैं मेरे हिसाब से तो हमें इस प्रकार की कंपनियों के बजाय अगर अपना ही मार्केट हम बना करके किसानों के माध्यम से हम हमारा जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसमें हमारी दुकान हम लगाई जाए, बाकायदा मंडियों में हमारी दुकान स्थापित की जाए, तो हमारे किसानों के लिए वो भविष्य के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। बच्चूलाल जी, बहुत आपने अभी जैसे कि इंटरव्यू से पहले बताया कि मेरे पास सामान कम पड़ जाता है, लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है, तो इसको पूरा करने के लिए अब आपने क्या सोचा हुआ है? यार ये सारा अभी एक मशीन चल रही है, अगर मुझे मशीन मिले मैनुअल के जगह मशीन से मैं गुदाई करूं तो मैं अकेला ही पर डे 7-8 क्विंटल मुरब्बा बना सकता हूँ, बाकी मैनुअल तो 10 किलो से ज़्यादा नहीं बनता तो सामान तो कम पड़ेगा ही जी। दूसरा, मेरे मुरब्बे का रेट 80 रुपये है जबकि मार्केट में 125-150 रुपये तक है, 80 रुपये में मेरा मुरब्बा फटाफट बिक जाता है और बचता ही नहीं है। और ऑर्गेनिक है, बाजार वाले का तो पता भी नहीं है कि ऑर्गेनिक है, और टोटल मतलब अब चीनी तो जो मार्केट की आती है जी हाँ, बाकी मुरब्बा कंप्लीट ऑर्गेनिक है। स्क्वैश भी आप बना रहे हैं, इनकी भी काफ़ी डिमांड होती होगी, ये भी अच्छे जा रहे हैं। मैं अपनी बच्चियों की शादी में इनको यूज़ किया है, बारात को खिलाया पिलाया है, लोगों ने रुचि कर पिया और इनमें कलर्ड किए, इनमें और दूसरे आइटम मार्केट के मिलाए तो स्वादिष्ट हो गया, आराम से लोगों ने कई गिलास पिए इसको। मतलब जो इस समय का युवा आजकल कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की तमाम चीज़ों को यूज़ करता है, उपयोग करता है, उनसे अच्छी चीज़ आपने उनको बना के दी है। कोल्ड ड्रिंक के तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, जैसे आप मिश्री से आंवला खाओगे तो आपको मुंह के छाले गर्मी ये नहीं सताएगी और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, रेगुलर आप पीते रहे तो आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, जो भी कुछ खाओगे आपको हजम होगा जी। हमारे साथ मौजूद है एक दर्शक जो कि इस समय हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, साहब से मैं ये पूछ जा रहे हूँ कि इन को जो प्रोडक्ट बनाबो चाह रहे हैं तो कौन सी फसल से शुरू कराऊं, कहाँ से शुरू करें? अगर कोई किसान इनसे मोटिवेट होकर करना चाहता है, इनसे प्रोत्साहित होकर करना चाहता है तो कहाँ सबसे पहले शुरुआत क्या करनी चाहिए? बच्चूलाल जी पहले आप बताएं, फिर अशोक जी आप बताएं। प्रोडक्ट से आपके पास क्या पैदा होता है इस पर डिपेंड करता है आप क्या पैदा कर रहे हैं। अगर आप आंवला पैदा कर रहे हैं तो उसका तो मैं आराम से समझा सकता हूँ, नींबू पैदा कर रहे हैं जी नहीं, अगर मान लीजिए शायद संपर्क में उनके पास में अभी है नहीं है वो। अच्छा, सबसे पहले तो फलदार पौधों पे आना पड़ेगा जी। आप फलदार पौधे लगाइए या आंवला है और नींबू है जी। अशोक जी आप बताइए जी। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे किसान भाई अभी जिनका प्रश्न आया है कि अगर हम इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं
तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सबसे पहले हमें हमारे प्रोडक्ट तैयार करने से पहले हमें रॉ मेटेरियल जो उत्पाद पहले पहले हम ये बताएं कौन सा सबसे इजी है, सबसे अगर नया आदमी शुरू कर रहा है तो कौन सा सबसे इजी है। नया आदमी जो भी हमारे किसान भाई है उनके लिए आंवला बहुत बेस्ट है जी, नींबू बहुत बेस्ट। आंवला शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आंवला के लिए यही है कि जो भी हमारा अभी बरसात का मौसम आ रहा है जी, उसमें आप अपने जो नजदीकी हमारा उद्यान विभाग का कार्यालय है वहां जाकर के संपर्क करें और अपने ये पौधे लगाने के लिए अपनी पत्रावली के लिए आवेदन करेंगे। और इसी सीजन में हमारे बरसात में अभी हमारे को जो चल रहा है जून का महीना, इसमें गड्ढों की खुदाई की अभी से हमारे को लेआउट दिलवाना पड़ेगा और हमारे जो निर्धारित गड्ढों की साइज है उसकी आप खुदाई करके और जितना हमारा एरिया, पहले हमें एरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा, मिट्टी पानी की जाँच हमें करवानी पड़ेगी और पौधे रोपण करने के बाद में लगभग 3 साल बाद हमें इनमें पौधों में फल हमें लेना है जी। और जैसे ही फल हमारे पास में आ जाएंगे उसके बाद हम प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे को पौधे तैयार करने पड़ेंगे, इसकी यही प्रक्रिया है पौधे तैयार करने की। अब और क्या योजनाएं हैं इसमें अशोक जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, समय हमारे पास कम बचा हुआ है, एक दर्शक से पहले हम बात कर लें उसके बाद आप बताइए जी। राम राम साहब। राम राम साहब जी, मैं अलवर से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। मुझे केंचुआ खाद तैयार करने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसके बारे में बताइए। केंचुआ खाद तैयार करना चाहिए जैविक खेती कर सके जी। अशोक जी बिल्कुल जी, सर मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर हम जैविक खेती करना चाहते हैं और हमें वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाना चाहते हैं तो छोटे स्तर से भी हम इसका प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक छायादार स्थान का व्यवस्था करनी पड़ेगी, यदि अपने पास में पहले से है तो ठीक है, वरना हमें एक टिन शेड बना करके और उसकी छाया की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें हमें बेड बनानी पड़ेगी जिसमें बेड की चौड़ाई हम 3 फीट रखते हैं और उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 फीट रखते हैं और लंबाई हमारे पास जो जगह है उपलब्धता के आधार पर 10 फीट 15 फीट हम रख सकते हैं जी। उसके बाद में हमें हमारा जो गोबर है, इसमें गाय का गोबर है तो वो बहुत अच्छा रहता है और भैंस है तो भैंस का भी गोबर इसमें आराम से हम ले सकते हैं जी। लगभग हमें जो हमारा गोबर है उसको एक तरफ हम कलेक्शन कर लेंगे और 15-20 दिन तक उसको हम ठंडा करके उसमें पानी वगैरह डाल के और उसको हमें ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गोबर जो अगर ताज़ा हमने उसमें डाल दिया और तुरंत केंचुए छोड़ दिए तो उसमें गोबर गर्म होता है और हमारे केंचुए मर सकते हैं जी। तो हमें उसमें ठंडा करके और उसको एक बार थोड़ा सा हीट उसकी कम कर देनी है। उसके बाद में हमारा जो बेड है उसके अंदर सबसे पहले हमें जो हमारे फार्म यार्ड पर जो कूड़ा है, कचरा है, पत्ते हैं नीम के, इस प्रकार का कूड़ा कचरा सबसे पहले उसकी उसमें अपने को परत में डालना है। उसके बाद में हमारा जो गोबर है उसको हमें उसमें ठंडा करके डालेंगे और नज़दीकतम जहाँ भी कोई पहले से वर्मी कंपोस्ट इकाई चल रही है वहाँ से हमारे को केंचुए हमारे परचेज करके लाएं जी। और उसमें केंचुआ छोड़ दें। लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है? लगभग 50 से 60 दिन में हमारा ये खाद बनना चालू हो जाता है। नियमित हमें पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, ऊपर से उनको हमें बोरियों से ढक करके, और अंधेरा इनको पसंद होता है, केंचुए की जो प्रकृति होती है अंधेरे में ही अपनी जो भी इनकी प्रक्रियाएं होती है खाद बनाने की वो करते हैं। और जैसे ही हमारा खाद तैयार होता है हम उसको नियमित। एक और दर्शक है जो इस समय बात करना चाह रहे हैं आपसे जी। राम राम साहब। राम 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 राम, मैं मोहम्मद सुफियाली बोल रहा हूँ डिब्रूगढ़ आसाम से। आसाम से बोल रहे हैं, डिब्रूगढ़ से आप? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। पूछिए। ये प्रोग्राम हमको तो अच्छा लगा, पहले तो आप लोगों को सभी लोगों को मतलब धन्यवाद और आप तीनों लोगों के लिए थैंक यू। मेरा सवाल ये है जो मान लीजिए हम लोग ऑर्गेनिक खाद जो बनाता है जो सर लोग बोल रहा है जी, तो कृपया करके ये भी बोल लीजिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो कीटनाशक यूज कर रहा है उसको आपको आपका ये प्रोग्राम हमको जरा हटके लगा है जी। तो ये बताइए जो गौस हम लोगों का जो पीपल का पेड़ होता है बड़ा बड़ा पेड़, उन लोगों का जो क्या बोलता है घास का जो हेरी होता है उनसे भी कोई खाद बना सकता है क्या? जैसे कि केला का गौस हो गया, जैसा कि आपका नीम का, हम तो पत्ती बोलता है। मैं समझ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानना चाहा और इतनी दूर से हमें फोन किया। अशोक जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारे पास में पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे भी हम वर्मी कंपोस्ट के अलावा जो हमारा एक हमारा सुपर कंपोस्ट है इस प्रकार के हम खाद हम बना सकते हैं। उसमें हमारा वही तरीका है, हमें खड्डा खोद करके और उस खड्डे में उन पौधों की पत्तियां हैं, साथ में हमारा जैसे सरसों की हमारे पास में जो बेस्ट हमारा जो खांकला भी होता है उसको भी हम डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा गोबर की परत भी लगा दें। इस प्रकार परत के रूप में हम अगर उसमें डाल करके और कुछ सड़ा गड़ा करके और हम उसमें खाद बना सकते हैं तो वो भी हमारा एक ऑर्गेनिक खाद ही कहलाएगा और उसको हम फसलों में यूज कर सकते हैं,
उसमें हमारे को किसी प्रकार के फिर बाद में रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कर सकते हैं हम बिल्कुल, पत्तियों से, पत्तियों में वही पोषक तत्व होते हैं, उनको सड़ा गड़ा करके अगर हम खेत में डाला जाए तो वह खाद का काम हमारे। अशोक जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे और किस तरह की योजनाएं हैं सरकार की जो कि बागवानी को और पेड़ लगाने की जो हमारी मुहिम है, वृक्ष लगाना जो इस समय हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें किसानों की सहायता कर सकती है, आम आदमी की भी सहायता कर सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे कई किसानों के पास में हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या हमारे लिए समस्या बीच में बाधा आ जाती है। तो पानी की हमारे को समस्या को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है, फार्म पॉन्ड निर्माण हम करा सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। जो भी हमारी क्ले सॉयल है जहां पर बरसात का पानी आसानी से जमीन में लीच नहीं होता है, उन एरियाज में अगर हम फार्म पॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसका जो निर्धारित आकार है न्यूनतम 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, अगर हम एक कच्चा फार्म पॉन्ड बना करके और बरसात के जल का संग्रहण कर लेते हैं तो उस पानी का उपयोग हम हमारे जो फसलें हैं या हम फलदार पौधे लगाना चाह रहे हैं उनमें हम आसानी से कर सकते हैं। कृषि विभाग के माध्यम से इस पे किसानों को अधिकतम 63,000 रुपये या 50% का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, कई जगह हमारी जो रेतीली जमीन है, कई किसानों के वहाँ पानी आसानी से वहाँ रुकता नहीं है, तो उन किसानों के लिए अगर प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉन्ड भी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कृषि विभाग के माध्यम से 90,000 रुपये की अधिकतम अनुदान किसान भाइयों को दिया जा रहा है। साथ ही हमारे किसानों के लिए हमारे सिंचाई पाइपलाइन की योजना भी है और स्प्रिंकलर है हमारे, फुहारा पद्धति से हम सिंचाई कर रहे हैं, उन पर भी किसान भाइयों को लघु सीमांत को लगभग 60% और सामान्य के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी हम ले सकते हैं। फिर से रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम सा। राम राम सा जी, ये सब है ना ऑर्गेनिक खेती में टिड्डी, ये कहते हैं राम जी के घोड़े, इनको कैसे रोके बरसात के दिनों में? टिड्डी जी, टिड्डी को कैसे रोक सकते हैं? उनका सवाल जिस तरह से उन्होंने पूछा, पर उनका आता है ना इसको ऑर्गेनिक खेती में कैसे रोके जी। इसमें आप लोग ग्रास होपर की जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास में जो ऑर्गेनिक जो हमारे तत्व हैं, जैसे हम इसमें नीमास्त्र है, अग्निस्त्र है या ब्रह्मास्त्र है, इस प्रकार के जो हमारे जैविक कीटनाशक हम लोग तैयार करके अपने फार्म हाउस पर, और इनका हम अगर लगातार, जैसे ही हमारे टिड्डी में हम लोग कई बार देखते हैं कि जब बहुत ही ज्यादा हमारे जब अटैक आ जाता है उस समय हमारा किसान भाई इसमें अपना वहां पे ध्यान देता है। अगर हमारे कीट और रोग हमको अगर नियंत्रण करने, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा नियमित हमारे खेत की हमें वाच करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और कीट एवं रोग की जो प्रारंभिक जो स्टेज होती है उससे पहले ही हमें इसका उपाय करना पड़ेगा। जैविक खेती में एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बीमारी और रोग के आने से पहले ही उस पर लगातार हमारा जो जैविक कीटनाशक हम बना रहे हैं उनका हमें स्प्रे करना पड़ेगा लगातार, जिसमें हम लोग गाय के मूत्र से है, नीम के हमारे पत्ते हैं, करंज है, अरंडी है, इस प्रकार के जो हमारे हैं जो इनमें हमारे जो बनाते हैं हम जैविक, इस प्रकार के अगर आप तैयार कर लेते हो तो हमारे पास जैविक कीटनाशक भी बहुत सारे हैं जो हम कीड़ों को आसानी से मार सकते हैं। इस प्रकार के आप ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप नज़दीकी जो हमारा कृषि कार्यालय वहाँ पर जाकर के इस प्रकार की आप प्रशिक्षण जानकारी ले सकते हैं। अशोक जी, जैसा मैं बता रहा था कि समय की सीमाएं हैं, हमें मर्यादा का समय का ध्यान रखना होगा, हमें समय की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। अभी आप लोग यहां पर पधारे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। बच्चू लाल जी, आपने यहां पर आकर लोगों में एक नई चीज़ बताई कि वो किस तरह से फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप दोनों एक्सपर्ट्स का आज के इस कार्यक्रम के लिए, और धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी भाइयों का जिन लोगों ने आज हमें फ़ोन किया, और उन लोगों का भी जिन्होंने फ़ोन किया लेकिन वो हमसे अटैच ना हो पाए, हमसे बात ना हो पाए। उनसे निवेदन है वो आगे ठीक इसी प्रकार से अपना स्नेह और आशीर्वाद हम पर बरसाते रहें, एक न एक दिन आपका फ़ोन जरूर लगेगा और हम आपसे बात कर पाएंगे। जी हाँ, और बात फिर वापस वहीं कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें छांव चाहिए तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, अगर हमें चाहिए कि हम इस गर्मी को कम कर सकें तो हमें पेड़ लगाने चाहिए और हमें पेड़ लगाने होंगे। और आपसे एक बार फिर से वही वादा कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन आज ही के समय किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।